गुजरात वर्सेस आरसीबी। अब ऐसा मैच आ गया है, ऐसे मुकाम पे मैच आ गया है जहां पे ये इस तरह की टीम जो खुद आउट हो चुकी है एक तरह से पूरी तरह से, तो अब ऐसे मौके पे फॉर्म में आ रही है जहां पे दूसरे टीम जैसे ये फंसी हुई टीम है और भी बाकी जो फंसी हुई टीम है उसको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और ये हर टूर्नामेंट में लगा रहता है, यही देखने को मिलता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये बॉटम ऑफ द टेबल पे है, 9 में से 2 मैच जीती है, 10th पोजीशन पे है, और ये 9 में से सिर्फ 4 मैच जीती है, 7th पोजीशन पे है। और कल के मैच को लेके 22% ही मार्केट फेवरेट है, और मैच इनको जीतना बहुत जरूरी है। और आप देखिए मार्केट कितना ज़्यादा आरसीबी लोड उठा रही है, 78%। खाने का रेट भी मिल गया है, 92 पैसा यहाँ पे जीती, 92 पैसा अपने होम ग्राउंड का फेवरेट फ़ायदा उठा रही है। और जब भी इस तरह का रेट खुलता है 90-92 पैसा, आईपीएल में देखने को मिला है कि बिंदास वहाँ से अपोनेंट प्लस करके 30 पैसा लगा देती, चाहे कोई टीम जीत जाए, बुकसेट हो जाता है आपका, कहने का मतलब। अब देखिए दिन का मैच है 3:30 बजे वाला, ड्यू फैक्टर से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड मैंने पहले ही बता दिया है, यही चल रहा है इस वेन्यू पे कि स्लो सरफेस होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है मतलब सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा बैटिंग करने का ऑप्शन हो जाता है, और ज़्यादा हाई स्कोरिंग आप यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट करके चलिए। जितने भी मैच हुए हैं बुरी तरह से टीम 165 एसआरए जैसी टीम भी 165-166 पे रुकी है, तो कल का भी मैच 165-70 का टोटल आप एक्सपेक्ट करके चलिए, और उसी हिसाब से सेशन आप ज़्यादातर जितना सेशन ऊपर जाएगा उतना नॉट करिएगा तो उतना नॉट हो सकता है, और ऐसे ही आपको सेशन खेलना भी पड़ेगा। बाकी सेकंड बैट को यहाँ पे बहुत एडवांटेज है, मैचेस सारे सेकंड बैट जीती, और सही में बैटिंग करना आसान हो जाता है सेकंड बैट करने वाली टीम को। ठीक है, तो कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, सेशन मैंने बता दिया, बाकी वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। कल 2 मैच है, तो ये पहला मैच है और कल सुपर संडे होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, जुड़े रहिए, कमाते रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्यों ज्वाइन होना है, सेशन मैच आता है, आज भी दिया है और कल भी आएगा। 7428525767 पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर है, मैच और सेशन खेलना है, दिक्कत नहीं है, बहुत तगड़ा काम चल रहा है, सेशन लगातार में पास, मैचेस भी पास चल रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको भी स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, और हर वीडियो के नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए, फ़ायदा उठाइए। क्यों नहीं उठाना है भाई, मैच और सेशन का फ़ायदा उठाना है, पहले जुड़े होते तो लॉस भी नहीं हुआ होता, प्रॉफिट में ही रहते जैसा काम चला है हमारा। और चलिए कोई नहीं, अभी बहुत मैचेस है, सारा लॉस रिकवर करवा के देना हमारा काम है, वो करवा के देंगे। 38 डिग्री का टेम्परेचर, चांसेस हो रहे निगेटिव, ह्यूमिडिटी से कोई लेना देना नहीं, स्लो सरफेस होगा इनिशियली। ठीक है, थोड़ा सेशन ध्यान से खेलने वाला सरफेस है, क्योंकि इस बार जीटी का जो होम ग्राउंड अहमदाबाद है वो रात में भी वैसा ही रहा है और दिन में तो रहता ही है। बाकी दोनों टीम का अगर बात किया जाए, जीटी और आरसीबी का, तो एक टीम अपना बॉलिंग सुधार रही है अभी जो हमेशा से खड़ा हो रहा है, और एक टीम का बैटिंग इस साल खड़ा हो रहा था, तो लास्ट मैच तक देखा आपने 224-24 का टारगेट ऑलमोस्ट 220 तक पहुंच ही गई, तो चेंज हो जाता डीसी के खिलाफ, तो एक टीम अपना बैटिंग सुधार रही है, तो दोनों ही टीम यहां पे इन प्रोसेस है जो दोनों का ख़राब है। बाकी बॉलिंग जीटी का अच्छा है और बैटिंग आरसीबी का ज़्यादा बेटर अभी दिख रहा है। 31 मैच हुआ है, 13 बार फर्स्ट बैट, 17 बार सेकंड बैट, 1 मैच टाइड है, एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 165-170 मान के चलिए, थोड़ा स्लो सरफेस होगा ही फर्स्ट इनिंग में, 233 हाईएस्ट, 89 यहाँ पे लोएस्ट है, दोनों में ही जीटी है। 150 से नीचे देखिए 8 बार लगा है, 152-169 भी 8 बार, 172-189 8 बार, और एवव 190 7 बार लगा है। अब देखिए इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहा है कि 200 का तो वैल्यू ही नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन एक भी अभी जैसा सरफेस है वहाँ पे सब एकदम फ्लैट डेक पे मैच हो रहा है, ये थोड़ा स्लो सरफेस हो सकता है क्योंकि ये नेचर में ही रहा है इस साल जीटी का, लास्ट ईयर मैच लास्ट तक जाते जाते थोड़ा स्लो हो गया था, स्टार्टिंग में तो वहाँ भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। 89 देखिए यहाँ पे पैक हो गई थी जीटी, डीसी 92 रन मार के चेस कर गई आराम से, दिख रहा है इफेक्ट आपको, 6 विकेट 3 विकेट 4 विकेट में से 3 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स, 199 का रात का ही मैच था, पीवीके जैसे तैसे चेस कर ली थी, घोड़ा उड़ा था अपनी टीम, यहाँ पीवीके सी थी, 4 में से 3 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स, फिर पेसर्स और 3 विकेट स्पिनर्स को मिला है। अब देखिए ये दिन का मैच है, 275 मार के आने के बाद यहाँ पे 162 तक ही पहुँच पाई थी स्लो सरफेस होने की वजह से, 168 मार के जीटी जीत गई थी, एक टाइम पे लग रहा था अगर मार कंडे का 24 रन का ओवर नहीं आता तो मैच फंस जाता है यहाँ पे। 8 में से 5 विकेट पेसर 2 विकेट स्पिनर्स 3 में से 1 विकेट पेसर्स 2 विकेट स्पिनर्स, 22 विकेट पेसर्स के पास है लास्ट 3 में, और 12 विकेट स्पिनर्स के पास है, तो पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा आपको कारगर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे जितना बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी फेंकेगा उतना फ़ायदा रहने वाला है, नहीं तो रन के लिए जा सकते हैं। 3 मैच हुआ है दोनों के बीच में, 2 मैच जीती, 1 मैच आरसीबी जीती है, और देखिए लॉस है विन है, लॉस है विन है लॉस है, तो 2 मैच जीत के आ रही है जीटी, और यहाँ पे इनका लास्ट मैच ही विन है, और उससे पहले लगातार 6-7 मैच हार के आ रही है आरसीबी, तो दोनों ही टीम का बोला जाए तो एक ही जैसा हाल है,
एक मैच आरसीबी जीत गई तो अब सबको लग रहा है लगातार जीतेगी, कुछ भी हो सकता है, मैच है। लास्ट 10 मैच देखिए तो 40% यानी चार मैच जीती है जीटी, 167 एवरेज फर्स्ट बैटिंग इसको, 220 हाईएस्ट और 89 लोएस्ट है इनका। देखिए तो लास्ट 10 में सिर्फ दो मैच जीत गया रही, लेकिन एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर जो बैटिंग का डोमिनेशन है वो दिख रहा है 195। और इस आईपीएल पूरा वैसे ही दिख रहा है कि बैटिंग डोमिनेट करना ही पड़ेगा, फर्स्ट बैट करने का एडवांटेज इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बड़ा स्कोर खड़ा कर दे रही है टीम, और उसके बाद लगता है छह चौका लेकिन हो नहीं रहा है। यही पैटर्न है, ये पीएसएल 2023 वाला स्क्रिप्ट यहाँ पे ले आया उठा के पूरा, और 153 यहाँ पे लोएस्ट है। अब देखिए वेन्यू पे बात कर लेते हैं, लास्ट 10 मैच का तो जीटी का होम ग्राउंड है तो 10 मैच खेली है, 60% का विन परसेंटेज है यानी 6 मैच जीत के आ रही है, तो यहाँ पे ये जबरदस्त परफॉर्म करती है अपने होम ग्राउंड पे नो डाउट। और 181 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 233 हाईएस्ट है, 89 लोएस्ट है। ये देखिए तीन मैच में से एक मैच ही जीती है इस वेन्यू पे, 157 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 171 हाईएस्ट और 145 लोएस्ट है, तो इनको बैटिंग अपना अच्छा करना पड़ेगा इस वेन्यू पे, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है, और रेशियो भी कुछ खास नहीं है। बाकी जीटी अपने होम ग्राउंड पे काफ़ी डोमिनेट करते हुए देखने को मिलती है। फर्स्ट इनिंग में देखिए 6 ओवर में 51 से नीचे 44-45 ज़्यादा सेफ रह सकता है, विकेट गिरने पे यस कर लीजिए वो बेटर रहेगा 44-45 आने पे। 83 10 ओवर में 130 और 192 तो ये क्वाइट हाई जा रहा है, इतना आपको देखने को नहीं मिल सकता है। 165-66 आए तो यस करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि थोड़ा स्लो सरफेस होने वाला है। 54-82 126 और 152 सेकेंड इनिंग का है। प्लेइंग इलेवन का बात करें जीटी की तरफ से तो रिद्धिमान साहा ठीक ठाक है, लास्ट मैच से थोड़ा फॉर्म दिखा, सुमन गिल का फॉर्म स्ट्रगलिंग है लेकिन इस मैच में भी बड़ा खेल सकता है, इस पर आप दाव लगा सकते हैं। डेविड मिलर ठीक लग रहा था लास्ट मैच, उमर जय बॉलिंग से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तेवड़िया फिनिश कर सकता है, शाहरुख खान ठीक ही है, राशिद खान, साई किशोर, नूर अहमद, मोहित शर्मा, संदीप वॉरियर और साई सुदर्शन, तो ये एज इट इज़ प्लेइंग इलेवन रह सकता है, स्पिन डोमिनेट पे ही जाने वाली है जीटी की टीम। बाकी इनका बैटिंग का वही है अप डाउन, इसलिए थोड़ा टीम फ्लक्चुएटिंग लगी है। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी दोनों इन टच हैं, विल जैक्स का ये फॉर्म अप डाउन ही है, रजत पाटिल का कंट्रीब्यूटिंग है, कैमरन गिन भी कंट्रीब्यूटिंग है, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमर, करण शर्मा, लॉकी, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और स्वप्निल सिंह, तो यही प्लेइंग इलेवन होगा। बहुत दिन बाद कोई प्लेइंग इलेवन से विन मिला है तो चेंज नहीं करने वाला है टीम। बाकी यहाँ सुमन गिल का देखा जाए तो 6-35, 8-72 और 19 ये मैच में भी बड़ा खेल सकते हैं और खेलना पड़ेगा इनको, तो इनको कैप्टन बना सकते हैं हेड टू हेड में। 55-4, 2-44, 21 अब ये अच्छा देखने को मिला कि ये चेजिंग में ऑलमोस्ट मैच उड़ाने वाला पारी था, आउट हो गए वो अलग बात है, तो ये चाहिए था और ये मिला है। 39-13, 2-11, 25 अब इतना भी रन मार देगा यहाँ रिद्धिमान साहा तो अच्छा हो जाएगा टीम के लिए, क्योंकि ये 20-21, 20-21, 19 रन ही मार पा रहे थे। 1-13, 11-17, 3 बैटिंग से एकदम कोलैप्स किया है ये, 0-0, 1-1, 0 बाकी बॉलिंग ठीक कर ले रहा है, स्विंग मिल जाता है तो विकेट मिल रहा है इनको। शाहरुख खान भी एक आधा ओवर निकाल सकते हैं, अगर आप TNPL देखते होंगे तो उसमें तो जबरदस्त बॉलिंग ये करते हैं, 8-8, 0-14, 23 बाकी इनको फिनिश करने का रोल है वो इनसे हो नहीं पा रहा ठीक से। 21-3, 31-24, 0-0, 1-1, 1-1, 1-1 और यहाँ पे हमने 5 पैसा से लेके 60 पैसा तक मैच टीम गया था लास्ट मैच में, वहाँ पे बुक बनवाया था। और राशिद खान क्या जबरदस्त खेल रहे हैं, फिनिश भी यही करेंगे अब बताइए, 4-36, 10-22, 30 फिनिश कर सकता है, 0-4, 1-1, 0 इसी का 19वां ओवर महंगा पड़ गया लास्ट मैच में DC के विरुद्ध, नहीं तो GT यहाँ पे जीत जाती वो मैच। नूर अहमद 1-2, 0-0, 0 अब लास्ट दो मैच से अच्छा लग रहा है, बाकी 0-2, 1-0, 1 तो ये अब पिटाने लगे हैं, बाकी 3-0, 2-0, 0 ये सेशन दिखे तो यस कर सकते हैं, वॉरियर यहाँ पे पिटा सकता है ठीक है, अगर सरफेस में कुछ नहीं हुआ तो संदीप वॉरियर रन गिरने जा सकता है, बाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे राशिद खान ही रहने वाले हैं। 51-18, 42-3, 113 ये सबके कल भी फेवरेट रहेंगे और सरफेस जैसा इनको आप पिक कर सकते हैं इस सरफेस पे, ये थोड़ा संभल के खेलने वाला प्लेयर है। 6-55, 7-8, 18 ठीक है, ये भी बॉलिंग करके विकेट निकाल ही देगा, बैट से कंट्रीब्यूट नहीं किया तो। 25-7, 62-61 ये भी बड़ा खेल सकते हैं, लेकिन लास्ट दो मैच नहीं परफॉर्म किया लेकिन खेल सकते हैं इस मैच में। 50-52, 9-50, 29 देखिए इनका ही पारी था जो मैच को निकाला, 200 प्लस का यहाँ पे टारगेट लगा, 4 छक्का मयंक मार्कंडे को, हर मैच में जो भी साढ़े छाड़ी है मयंक मार्कंडे खाता है तो ऐसे वैसे नहीं खाता, 4-4 छक्का लगातार खाता है। 37-6-5-9-33-2-2-0-0 देखिए लास्ट दो मैच से बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉलिंग से भी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कैप्टन के लिए। 7-4-19-0-33 महिपाल लोमर भी बढ़िया ऑप्शन है, फिनिश कर सकता है। 11-25-83-53-4 अब बैटिंग मिलेगा तो कंट्रीब्यूट करके जिता सकते हैं। 2-0-1-0-1 करण शर्मा अंडररेटेड बॉलर है, बहुत साल से खेल रहा है लेकिन खिलाता नहीं था, नेट बॉलर की तरह यूज होते थे, बॉलिंग ठीक कर लेता है। 1-2-0-1-1 बाकी 0-1-2-4-1-0-1-0-1-1 यहाँ पे अगर बात किया तो लॉकी फर्गसन ठीक ऑप्शन है, विकेट देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है, 4-2-6-7-8 विकेट इनके पास है लास्ट 10 मैच 5 मैचेस में।
अब जो यहाँ पे ड्रीम इलेवन टीम आप देख सकते हैं, दिनेश कार्तिक के साथ रिद्धिमान साहा, विराट कोहली, फाइव डुप्लेसी, रजत पाटीदार, सुमन गिल, साई सुदर्शन, विल जैक्स, कैमरून ग्रीन, मोहित शर्मा और राशिद खान। कैप्टन यहाँ पे सबसे सेफ ऑप्शन कोहली और वाइस कैप्टन सुमन गिल हो सकते हैं। दूसरे यहाँ पे फाइव डुप्लेसी को कैप्टन बना सकते हैं, पाटीदार भी एक अच्छे ऑप्शन है, और यहाँ पे लास्ट मैच में ये भी अच्छे दिखे तो सुदर्शन के साथ भी जा सकते हैं। बाकी ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन करो। 7428525267 पे कॉल करो, मैसेज करो मैच और सेशन खेलना है तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैच और सेशन का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।